सांवले सपनों की याद। यह पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद उनकी डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। इसे लिखा है जाबिर हुसैन ने। लेखक को सालिम अली की मृत्यु के समाचार से बहुत दुख हुआ था। अपनी उसी मनोस्थिति को उन्होंने इस संस्मरण में लिखा है, जिसमें सालिम अली के महान व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कथन है कि सालिम अली एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे। मौत एक निश्चित एवं कटु सत्य है, यानी मृत्यु सभी को आनी है। ये सभी जानते हैं कि जीवन की कड़वी सच्चाई है मौत। यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार सांवले सपने का एक समूह लिए हुए सदैव मृत्यु की मौनवादी की ओर बढ़ता रहता है। उसको कोई रोक टोक सके यह संभव नहीं है, अर्थात सांसारिक जीवन नश्वर है। यह एक कटु सत्य है। सालिम अली इस समूह में सबसे आगे थे। वे सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफर की अनेकानेक अनुभवों का बोझ उठाए हुए थे। उनकी यह अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी थी, क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे। वे वन पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गाकर मानव प्रकृति की गोद में जा बसे हों। उन्हें कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी वापस नहीं बुला सकता था। लेखक का कहना है कि सोए हुए पक्षी अर्थात मृतक व्यक्ति को कोई पुनः जीवित नहीं करना चाहता। स्वयं सालिम अली ने वर्षों पूर्व लेखक को बताया था कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं, यह उनकी भूल है। हमें पक्षियों को उनकी दृष्टि से ही देखना चाहिए। इतना ही नहीं, आदमी तो सदा प्रकृति को भी अपनी ही दृष्टि से देखना चाहता है। यानी कि हम हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर जीव में अपनी उपयोगिता देखते हैं कि यह चीज़ हमारे काम आ रही है या नहीं। किंतु सालिम अली ऐसा नहीं सोचते थे। वे अपने कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि रूपी संगीत सुनकर हृदय में एक रोमांच अनुभव करते थे। वस्तुतः ऐसे ही व्यक्ति का नाम है सालिम अली। लेखक श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को स्मरण करता है कि ना जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहाँ के लोगों का मनमोह लिया था। माखन चुराकर तथा अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाकर उन्होंने सबके मन को मोह के बंधन में बांध लिया था। कब वे पेड़ों की गहन छाया में विश्राम करते थे, कब संपूर्ण वृंदावन उनकी बांसुरी की ध्वनि से संगीतमय हो गया था। आज भी वृंदावन में यमुना का सांवला पानी उन सब घटनाओं की याद दिला देता है। ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि कानों में सुनाई देगी और कदम एकाएक रुक जाएंगे। वाटिका का माली जब सूरज ढलने पर सैलानियों को निर्देश देता है तो लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी के संगीत से गूंज उठेगा। लेखक बताता है कि सालिम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी आयु 100 वर्ष होने में थोड़ी सी कम रह गई थी। संभव है कि लंबी लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को दुर्बल बना दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी हो। किंतु मृत्यु भी अंतिम समय तक उनकी आँखों की रोशनी नहीं छीन सकी थी, जो सदा पक्षियों की सेवा में समर्पित रहती थी। उनके समान पक्षियों को देखने वाला संसार भर में दूसरा कोई नहीं हुआ। एकांत के क्षणों में भी वे बिना दूरबीन के ही पक्षियों को निहारा करते थे। क्षितिज को भी छूने वाली उनकी तीव्र दृष्टि में प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। वे प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को ही प्रभावित करने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे।
उनके लिए प्रकृति एक रहस्यमयी और दूर तक फैली हुई दुनिया थी। उन्होंने बड़े प्रयास से यह दुनिया बनाई थी। इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी तहमीना का बहुत बड़ा योगदान था। सलीम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को बचाने का सुझाव रखा था। उसे सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी। सलीम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई नहीं है जो सूंधी माटी पर फसलों की रक्षा कर एक नए भारत का निर्माण करे और हिमालय व लद्दाख जैसी बर्फीली ज़मीन में रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत करे। सलीम ने अपनी आत्मकथा का नाम भी फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा है। उन्होंने डीएच लॉरेंस के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि आदमी को आदमी की अपेक्षा प्राकृतिक उपादान पशु पक्षी आदि भली भांति पहचान लेते हैं। लॉरेंस की पत्नी ने कहा, मेरे पति को मुझसे कहीं अधिक हमारी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। सलीम ने पक्षियों के प्रति प्रेम रखने और पक्षी वैज्ञानिक बनने के रहस्य को खोलते हुए बताया कि बचपन में उनकी एयर गन से नीलकंठ की गौरैया की मृत्यु ही इसका कारण है। यह गौरैया ही उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जा रही है। वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा ही छूने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने सदा ही साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में गागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। जो उन्हें भलीभांति जानता और समझता है वह उनके मरने पर भी यही अनुभव करेगा कि वे अपनी दूरबीन को लटकाए और पक्षियों की नई खोज के साथ बस आते ही होंगे, किंतु मरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं लौटता। लेखक ने सलीम अली की मृत्यु के विषय में लिखा कि उनकी अंतिम यात्रा के समय उनके जनाजे के साथ एक बहुत बड़ा समूह चला जा रहा था और समूह में सबसे आगे सलीम अली के शव को ले जाया जा रहा था। ऐसा लगता है यात्रियों की ही भांति वे स्वयं अपनी शव यात्रा का बोझ उठाए हुए हों। कहने का तात्पर्य है कि श्री सलीम अली ने एक लंबा जीवन जिया था। उनके अनेक अनेक अनुभव मानो उनके साथ हैं, किंतु जिस यात्रा पर आज वे जा रहे हैं यह यात्रा उनके द्वारा की गई अन्य यात्राओं से भिन्न है। इस यात्रा से कोई लौटकर नहीं आता। यह यात्रा नहीं अपितु इस भीड़ भरी जिंदगी और तनावपूर्ण वातावरण से सलीम अली का अंतिम बार भाग खड़े होना है। प्रकृति से मिल रहे हैं जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाने के पश्चात मृत्यु की गोद में जा बसा हो। कहने का तात्पर्य है कि सलीम अली का शरीर भी मृत्यु के पश्चात प्रकृति में विलीन हो गया था, जहां से वह फिर कभी लौटकर नहीं आ सकेगा। लेखक की सलीम अली के प्रति श्रद्धा भावना का बोध इन पंक्तियों में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और भावानुकूल है। लेखक ने सलीम अली की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।